हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मेरे साथ मिनरल्स के फॉर्म केंद्रीय विद्यालय झज्जर। ये एनसीईआरटी बुक्स जो है क्लास टेंथ का एट चैप्टर। ओके, क्लास टेन का एनसीईआरटी जो है बुक्स है, क्लास टेन का एट चैप्टर है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। जे फॉरवर्ड सेड, देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है एक मिडिल पोजिशन लेकर खड़ा है, कहां पर? मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री ये हो गया जे फॉरवर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है डिस्कस करने से पहले हम कुछ मतलब इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। सपोज ये हो गया एक कुतुब मीनार, तो हम कुतुब मीनार को कंसीडर कर लेते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा एक कुतुब मीनार, ठीक है, और यहाँ पर कोई जो है लड़का खड़ा है। तो क्या हम कुतुब मीनार को एक्चुअली इसको मेजरिंग ना करके भी ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हम इसको माप सकते हैं? क्या इसका हाइट, ये जो कुतुब मीनार का हाइट है, क्या हम माप सकते हैं? क्या ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। और एक केस है, ये केस नंबर हो गया केस नंबर वन, मतलब कुतुब मीनार का हाइट मापेंगे एक्चुअली इसको मेजर ना करें, लेकिन किसके वजह से? बाय ट्रिग्नोमेट्री। और एक केस है, एक बालकनी में कोई है सपोज, और यहाँ पर कोई है, तो बालकनी का हाइट मुझे मालूम है, पता है मुझे, लेकिन इसका जो है वेट, अगर ये नदी हो, अगर ये सपोज ये नदी है, तो नदी का वेट हम कैसे मापेंगे? अगर ये जो बालकनी का हाइट है पता है मुझे, तो हम इसे राइट एंगल कंसीडर करके क्या हम ट्रिग्नोमेट्री की जो हेल्प लेकर क्या हम इसको जो वेट का माप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं? क्या ये हो गया केस नंबर टू। केस नंबर थ्री में देखो, बैलून ए पोजीशन पर है, यहाँ पर बी पोजीशन पर है। एक आदमी यहाँ पर था, तो ये बैलून को इस पोजीशन पे देख लिया, फिर कुछ देर बाद ये बी पोजीशन पे देख लिया, ठीक है। क्या हम बैलून का जो अल्टीट्यूड है ये इसको माप सकते हैं? क्या इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके ये तीनों केस जो है हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके माप सकते हैं। मतलब ये हो गया हमारा रियल एग्जांपल, ठीक है, रियल एग्जांपल। मतलब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज़ है डेली लाइफ में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है, कैसे? ट्राई ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है थ्री, गॉन एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है साइड्स, मेट्रॉन एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है मेजर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स। ओके, दिस इज रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ हुआ था? इजिप्ट और बेबीलोन में। ये हो गया मैप में इजिप्ट और ये है बेबीलोन, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो स्टार्स और प्लैनेट्स के जो डिस्टेंस है, मतलब सपोज ये हो गया जुपिटर और ये हो गया मार्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, या सन और जो जुपिटर के बीच में डिस्टेंस, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके माप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग में या फिजिकल साइंस में जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ठीक है। तो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एट द एंगल रिमेन्स सेम। मतलब क्या है, अगर हम इसको एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ये हो गया हमारा ट्राइंगल,
ये है हमारा ट्राइंगल। इसे इसको नाम दे दिए, ट्राइंगल का नाम दिए ए बी सी, मतलब इसको नाम दिए ए और इसको नाम दिए बी और इसको नाम दिए सी। यहाँ पर बी जो है राइट एंगल है और एंगल ए है एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 डिग्री और ए है 90 डिग्री। ठीक है, इस साइड को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम अपोजिट, इस साइड को बोलेंगे अपोजिट, ओ पी पी ओ एस आई टी ए अपोजिट, और इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ये हो गया एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट। ठीक है, शॉर्ट में एडजेसेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए, साइन एंगल ए, साइन एंगल ए क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, बीसी बाय एसी, साइन एंगल ए क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी बाय एसी। और साइन का उल्टा क्या है, कोसाइन, साइन का उल्टा क्या है, कोसाइन, कोसाइन एंगल ए क्या होगा, फिर उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी बाई बी सी। ठीक है, फिर सेकेंड सेकेंड क्या है, कॉस, कॉस एंगल ए, कॉस एंगल ए क्या होगा, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, ए बी बाई ए सी। ठीक है, और उल्टा कॉस ए उल्टा क्या है, सेकेंड उल्टा क्या होगा, ए सी बाई ए बी मतलब हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। नेक्स्ट टैन एंगल ए, टैन एंगल ए क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब बी सी बाय ए बी। और टैन का अपोजिट क्या है, टैन का अपोजिट है कॉट, कॉट एंगल ए इक्वल टू होगा उल्टा मतलब ए बी एडजेसेंट बाय अपोजिट ए बाय ए बी सी। ओके, सो दिस इज साइन ए कोसाइन ए, कॉस ए सेक ए एंड टैन ए कॉट ए। ओके, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, मतलब दोनों साइड का रेशियोज है। ठीक है, तीन साइड है, पर ए सी होता है हाइपोटेन्यूज, बी सी है अपोजिट साइड और ए बी है एडजेसेंट साइड, इसके रेस्पेक्ट में एंगल ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जो है अगर इस एंगल जो ट्राइंगल है इसको अगर बड़ा ट्राइंगल लेंगे, मतलब साइड अगर बड़ा है फिर भी एंगल इक्वल है तो रेशियो इक्वल होगा, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, मतलब इस बात को ध्यान देना है कि एक एक हो गया ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल, इसका एंगल हो गया ए, और एक बड़ा ट्रायंगल है इसका भी एंगल का वैल्यू सेम है मतलब ए है, तो क्या होगा, साइन कॉस टेन जो है वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, और एक बात है, अगर जो है हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल में, तो इसलिए क्या होगा, मतलब लॉन्गेस्ट मतलब ये जो डिनोमिनेटर है क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज सॉरी जो डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर देन न्यूमिनेटर होगा, तो क्या होगा वैल्यू, क्या होगा वैल्यू, फ्रैक्शन क्या मतलब रेशियो का वैल्यू क्या होगा, वन से कम होगा। इसलिए क्या है, साइन और कॉस का जो वैल्यू है एसी बड़ा होता है, दोनों का एसी बड़ा है, तो क्या होगा कि साइन ए और कॉस ए दोनों का जो वैल्यू है लेस देन वन होगा, लेकिन पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, क्या है फर्स्ट एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल क्या है के गिवन टैन ए इक्वल टू 4/3, टैन इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर
ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड द अदर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड द अदर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए ऑफ द एंगल ए। इसका डायग्राम जो है पास साइड में दिया है, डायग्राम क्या है, डायग्राम हुआ कुछ इस तरह, ये हो गया ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका एंगल ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो हम तो जो गिवन है, गिवन क्या है, टेन ए इक्वल टू 4/3, तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसको, इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें पता है टेन ए इक्वल टू क्या है 4/3, ठीक है, टेन ए इक्वल टू 4/3। इसका मतलब अगर इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका मतलब है, अगर tan a मतलब क्या है, tan a मतलब हो गया BC by AB। अगर इसका मतलब हो गया, अगर BC is equal to अगर 4K होगा तो AB equal to क्या होगा, 3K होगा, ठीक है। तो हमें जो BC है अगर 4K कंसिडर कर लेते हैं तो ए बी को कंसिडर करेंगे 3K, तो फिर बाय पिथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पिथागोरस थ्योरम मतलब पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम में क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट स्क्वायर मतलब बीसी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर मतलब क्या हो गया एबी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर बीसी स्क्वायर मालूम है कितना है, बीसी मतलब क्या है 4K, तो होगा 4K स्क्वायर, और एबी कितना है, एबी हो गया 3K मतलब 3K स्क्वायर, तो ये हो गया 16K स्क्वायर और ये हो गया 9K स्क्वायर। तो दोनों क्या हो गया 16 + 9 25K स्क्वायर, इसका मतलब हो गया AC इज इक्वल टू रूट ओवर 25K स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5K, क्योंकि रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 और K स्क्वायर रूट ओवर K स्क्वायर इक्वल टू K, ओके। तो ऐसे हमें मिल गया। तो साइन ए क्या होगा, साइन हम जानते हैं क्या है, ऑपोजिट मतलब बीसी बाय एसी, तो बीसी कितना था हमें, बीसी था 4K, एसी कितना मिल गया 5K, मतलब हो गया 4/5 साइन मिल गया। अब देखते हैं कॉस, ठीक है, कॉस क्या होगा, एडजेसेंट मतलब ए बी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए बी कितना है, ए बी हमें मिला, ए बी हम कंसिडर किए थे 3K और ए सी कितना मिल गया अभी 5K, तो इसका मतलब हो गया के जो है वैनिश हो जाएगा, यहाँ पर भी के वैनिश हो जाएगा, तो हो क्या है अल्टीमेटली क्या होगा 3/5। तो हमें जो है साइन मिल ए मिल गया, कोसे मिल गया और टेन ए मिल गया। तब जब टेन ए टेन मिल गया तो मतलब कॉट ए क्या होगा, कॉट ए उल्टा होगा, क्या होगा 3/4 होगा, क्योंकि कॉट जो है टेन का उल्टा है, और यहाँ पर साइन ए मिल गया इसका मतलब है कोसाइन ए मिल जाएगा, ठीक है, कोसाइन ए कितना है उल्टा होगा, कितना होगा 5/4 होगा, और कोसे मिल गया मतलब क्या है सेके मिल जाएगा, सेके कितना होगा 5/3, क्योंकि जो सेके है 1/1 जो है मतलब
फाइव बाई थ्री, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, फाइव बाई थ्री, क्योंकि जो सेके है ऑन बाई कोसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल्स, ओके, आर एक्यूट एंगल्स, सच दैट सच दैट साइन बी इक्वल, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ओके, देन प्रूव, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। और यहां पर ट्राइंगल ऐसे दिया है, एक ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल हो गया कुछ इस तरह, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल क्यू, ठीक है। ये हो गया एंगल क्यू, ठीक है। ये हो गया एंगल, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, ठीक। यहाँ पर जो है डेटा क्या है कि साइन बी इक्वल टू दिया गया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। तो साइन बी इक्वल टू क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन बी इक्वल टू क्या है, ए सी बाई ए बी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन क्या, साइन क्यू क्यों क्या है अपोजिट, मतलब पी आर बाय क्यू आर, सॉरी पी आर बाय पी क्यू, मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम इसको कैसा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एस सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू सपोज के से, मतलब इसको सपोज इज इक्वल टू के, ओके। तो हम पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पीटी मतलब पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या निकलेंगे, यहां से बीसी निकलेंगे और यहां से क्यूआर निकलेंगे, ठीक है। बीसी बाई क्यूआर करेंगे तो बीसी इक्वल टू क्या होगा, पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रूट ओवर होगा ए बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी। और यहाँ पर क्यू आर क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ठीक है। और आप देखेंगे कि बी सी, बी सी बाय क्यू आर काटेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या है रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय
क्या होगा इक्यू स्क्वायर माइनस ईयर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लिख सकते थे और एक लाइन क्या ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते थे ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू। ठीक है, ये सुनो ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू मतलब ए बी के बाद में क्या लिखेंगे के के इंटू पी क्यू मतलब के स्क्वायर पी स्क्वायर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस जो है एसी। ठीक है, एसी के बदले में हम क्या लिखेंगे एसी के बदले में हम लिखेंगे के इंटू पी आर के इंटू पी आर। ठीक है, के इंटू पी आर मतलब के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर सॉरी बेके स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर और नीचे क्या है अबर पी क्यू स्क्वायर इक्यू स्क्वायर माइनस पीआर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो बीसी बीसी बाय क्यूआर इक्वल टू क्या हुआ इक्वल टू क्या क्या मिला था हमको लास्ट पेज में क्या देखा था हम लोग देखे थे के स्क्वायर इक्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पीआर स्क्वायर। ठीक है, बाय इक्यू स्क्वायर माइनस पीआर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा के रूट रूट से बाहर हो जाएगा अंदर क्या रहेगा अंदर रहेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर नीचे क्या रहेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और दोनों क्या होगा कट जाएंगे दोनों माइनस इक्वल टू क्या मिला के मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया पहले से था पहले से हम लोग को पता था एस सी बाय पी आर इक्वल टू क्या था ए बी बाय पी क्यू अब क्या मिला मुझे बी सी बाय यू आर। तो दोनों जो ट्रायंगल हैं मतलब एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल इसी टाइप का है इसका हम लोग ध्यान देख लिए थे ए बी सी बी एंगल कंसीडर कर लिए थे और यहाँ पर पी क्यू आर क्यू आर यहाँ पर क्यू एंगल कंसीडर तो हम देखे थे कि जो ए सी और पी आर और ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर ठीक है जो रेशियो इक्वल है इसका मतलब क्या होगा B और एंगल Q जो है इक्वल होगा। ठीक है, एंगल इक्वल है सॉरी साइड्स इक्वल तो एंगल क्या होगा इक्वल होगा मतलब अब हम बोल देयरफॉर क्या है देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा हो गया प्रूफ। ओके, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ओके सो एग्जांपल हम लोग क्या देख लिए एग्जांपल टू देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट टू में हम लोग देखेंगे एग्जांपल थ्री। ओके, पार्ट टू में पार्ट टू हम लोग जब जाएंगे वीडियो में तो हम लोग एग्जांपल थ्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू और कीप वॉचिंग पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू में हम लोग और एक एग्जांपल जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।